गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्ट मन है तो फन है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं और इसको अंदर की तरफ से देखिए, ये हमने बनाया है पेपर मैशी से। ये जो लैम्प शेड आप देख रहे हैं ये पेपर मैशी से हैं और ये सारे हमारे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हैं, ठीक है। और दिखाते हैं, ये देखिए, ये दूसरा लैम्प शेड है पेपर मैशी का, इसको अंदर की तरफ से देखिए। ये बस बस, ये भी पेपर मैशी का है, इसकी पैटर्न डिफरेंट है और इसमें मैंने लाइट भी डिफरेंट लगा दी है। ये देखिए, इसका पैटर्न लीफी पैटर्न है पूरा। ये देखिए, इंडिया में भी इसका इतिहास बहुत पुराना है, जम्मू कश्मीर से लेकर के साउथ तक और इधर राजस्थान से लेके और गुजरात से लेकर के उधर उड़ीसा और ईस्टर्न स्टेट्स में सब जगह ये किसी न किसी फॉर्म में जरूर बनाया जाता है, ठीक है। कश्मीर का तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो लॉकडाउन का पीरियड है, पुराने न्यूज़पेपर आपके पास है ही है, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगी जो आपके पास घर में अवेलेबल है और उनके सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। पेपर्स को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में आप काट लें, ठीक है। आइए लॉकडाउन के पीरियड में आसानी से घर में उपलब्ध सामान के साथ पेपर मैशी क्ले बनाना सीखते हैं। कटे हुए पेपर्स को रात भर के लिए पानी में भिगो के रख लें, अगले दिन मिक्सी में पानी के साथ चर्न कर लें। आपको पल्प मिलेगा, ये पल्प मैंने मिक्सी से चर्न कर लिया है, पानी डाल के आप मिक्सी से खूब चर्न कर लें। चर्न करने के बाद इसका जो पानी है वो इस तरीके से हटा लें, सारा पानी हटा लें, ठीक है। हटाने के बाद आपको इस तरह के ये ब्रिटल इसको कर ले। आपके पास ये है चॉक पाउडर, सस्ता सा मिल जाता है। अगर चॉक पाउडर है तो ठीक, अगर चॉक पाउडर नहीं है तो पीओपी डाल सकते हैं। आपके पास मार्बल डस्ट है आप वो डाल सकते हैं, जो भी आपके पास कोई बाइंडिंग एजेंट है उसको डाल दें। और प्रपोर्शन इसका ये है कि जितना आपके पास पेपर का पल्प है लगभग उतना ही आपको ये भी डालना पड़ता है पाउडर, ठीक है। और बहुत सारा एक साथ ना डालें, आवश्यकता होने पर डालते जाएं। के ऊपर पड़ेगा फेविकोल, जितना पल्प था उसका आधा फेविकोल, ठीक है। और इसको आप मिक्स करें। अब देखिए इस तरीके से ये डो तैयार हो जाएगा। अब ये सूखे ना इसलिए मैं इसको या तो पॉलिथीन में डाल दीजिए, मेरे पास इस तरह का डब्बा है मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब देखिए, अब हम बनाने वाले हैं इस डो से, पेपर मैशी क्ले से अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अगर मुझे लैम्प शेड बनाना है, अगर साइज बड़ा चाहिए तो मेरे पास ये तसला है, ठीक है, इसका बेस बना सकती हूँ। अगर उससे छोटा चाहिए तो मैं ये ले सकती हूँ, ठीक, उससे छोटा चाहिए तो ये ले सकती हूँ, और छोटा चाहिए तो ये ले सकती हूँ, उससे छोटा जो है ये ले सकती हूँ। जो भी आपने सिलेक्ट करना है उस सिलेक्टेड पीस में पहले आप ग्रीसिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, ताकि आपका जो डो है इसमें चिपके ना, आराम से निकल जाए। ऐसे रोटी जैसे बेल के ना, बेलन से भी आप इसको बेल सकते हैं, बेल करके इसको स्प्रेड करें आगे की तरफ, थिकनेस सब जगह बराबर हो, ध्यान रहे। देखो हमने ये पूरे में लगा लिया है, थोड़ा थोड़ा बेल के भी देखा, आप पूरा ट्राई करो। जब बेलेंगे तो नीचे उसमें ऑयलिंग कर लें, बेलन में भी हल्की सी ऑयलिंग कर लें और जहां पर बेल रहे उस जगह को भी हल्का सा ऑयल कर लें। और इसको स्मूथ करने के लिए इसमें हल्का सा इस टाइप की जो कटोरी वटोरी कोई चीज ले लें, इसमें हल्का सा ग्रीस करें और हल्के हाथ से, जोर से नहीं करना है, जोर से करेंगे तो सब निकल आएगा, हल्के हाथ से इसको स्मूथ कर, ठीक है। हैंगिंग लैम्प बनाना है तो मैं इसको बजाय पूरे गोल के थोड़ा सा शेप देना चाह रही हूँ इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगी, इस तरह का ग्लास है मेरे पास,
इसको इस तरीके से ऐसे हटा दूंगी तो मेरे पास ये ऐसे कर्व वाला डिजाइन आ जाएगा। ये इसके ग्लास की मदद से हमने ये ऐसे शेप बना दिया, ठीक है। शेप बनाते समय थोड़ा सा आपकी ये एजेस कटेंगी, ठीक है, नोट वरी। आप ऐसा करना जैसे यहाँ पर ये कटा हुआ है, थोड़ा छोटा सा डो लेना इसका और इस तरीके से एक लॉन्ग ड्रॉप बनाना और इसको यहाँ पे चिपका देना और एडजस्ट कर लेना। अगर थोड़ा सूख गया तो फेविकॉल लगा लेना, वरना फेविकॉल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे बना लेना। अब जो हमने जे हुक बना के रखे हैं, दिख रहे हैं आपको जे हुक, उनको आपने इसमें फंसा देना है। ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसमें अगर कोई हैंगिंग लटकाना चाहें तो हम लटका सके। जे हुक बनाने के लिए तार को बराबर साइज में काट कर एक साइड से मोड़ लीजिए। बन गए आपके जे हुक्स। अब चूंकि हम इसको लैम्प शेड बना रहे हैं तो बीच में भी हमको इसको कट देना है, तो मेरे पास इस तरह का एक ढक्कन था, तो मैं इसको इससे सेंटर लेकर के ये कट दे रही हूँ, ठीक। अब जब आप इसमें होल्डर लगाएंगे बल्ब का, तो इसका ये एक दो से थोड़ा सा एक ये इस तरह का बना के इसके चारों तरफ आप इसे, ये सूख जाएगा। उसके बाद हम इसको एक व्हाइट कलर का बेस कोट देंगे और उसके बाद मन चाहे आकार की डिजाइन इसमें बना करके कलर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम इसको रख देते हैं धूप में। अब शुरू करते हैं कलरिंग इस तरह के शेड के लिए। और ये जो शेप हमने बनाया है इसको हम तीन अलग अलग तरीके से कलर करेंगे। पहले हम वाइट बेस देंगे और इसमें मैं आपको उल्टे साइड से और सीधे साइड से दोनों तरीके से कलर करना बता रही हूँ। ये अंदर के साइड से है, इसको मैंने वर्ली स्टाइल से बनाया है। ये पूरा शेड जो है लैम्प शेड मैं वर्ली स्टाइल से आपको सिखा रही हूँ। तो अंदर की तरफ कलरफुल है और बाहर की तरफ ब्लू कलर है। तो इसको ध्यान से देखिए और सीखिए कि कैसे वर्ली के सिंपल पैटर्न से लैम्प शेड को ब्यूटिफाई किया जा सकता है। लैम्प के अंदर की तरफ कंसेंट्रिक सर्कल बना लें अलग अलग कलर के, बोल्ड कलर के, उसके बाद फिर कलरिंग करें। डार्क बैकग्राउंड में हमने वाइट कलर से कलर करना शुरू किया है, वर्ली के फीमेल फिगर बन रही हैं, और लाइट बैकग्राउंड में हम डार्क कलर के ट्रीज बनाएंगे। ये देखिए जो मैंने रेड पेंट किया था इसके बीच बीच में मैंने येलो कलर के सर्कल्स बना दिए हैं, ताकि मैं इसमें ट्रीज जब दिखाऊंगी तो ये थोड़े से डिफरेंट दिखाई पड़ेंगे। ये पेड़ बनाने के लिए हमने ब्लैक कलर लिया है और पहले स्टेम बनाई और उसके बाद स्पाइरल तीन फिगर्स बनाई, तीन सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है, और उनको मेन स्टेम से जोड़ दिया और छोटी छोटी स्टिक्स पहले उसके बाद बना दी। ये एक्चुअली ट्राइबल पेंटिंग्स की खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये उनमें से एक है। देखिए छोटे 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 हम लाइंस बना रहे हैं इसमें। तो कई तरीके के पेड़ बनते हैं, उनमें से एक तरह का पेड़ ये भी है। इसके अलावा जो हम दूसरा पेड़ बनाएंगे, जो हम ये दूसरा पेड़ बनाने जा रहे हैं, इसमें पहले हम वही स्टेम बनाएंगे। स्टेम नीचे से मोटी और ऊपर ग्रेजुअली पतली होगी और ये खजूर के पेड़ की तरह का बनाएंगे। इसमें से पत्तियां नीचे लटकती हुई और उस देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है लैम्प के इनर साइड में। लैम्प के आउटर साइड कलर करने के लिए ये बेस कलर हमने पहले से तैयार कर लिया। अब चूंकि हम ये वर्ली स्टाइल में ही बना रहे हैं और ब्लू कलर हमने डार्क कलर बनाया है, तो जो फिगर्स हम बना रहे हैं वो वाइट कलर से ही बना रहे हैं। अगर आप ये मेरा कोन देख रहे हैं तो ये वही कोन है जो मैंने पहाड़ी ऐपण में शुरू में आपको बनाना सिखाया था। आप चाहें तो उसमें जा कर के आप देख लें, पहाड़ी ऐपण नंबर 1। अब ये ह्यूमन फिगर कंप्लीट करने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे
और ये नीचे देखिए एक मैंने एलिफेंट ऑलरेडी बना लिया है, और इसमें हम बहुत सारी और फिगर्स भी बना रहे हैं। पूरे सर्कुलर मोमेंट में हम इसमें फिगर्स बनाएंगे। ये मैंने एक फिगर बनाई वाइट कलर से, ह्यूमन फिगर बनाई है, और इसके हाथ में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी फिगर बन रही है एक बर्ड की। देखिए सब ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं, गोला है, लाइन है, हाफ सर्कल है, डॉट्स हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, और जल्दी से आपकी एक बर्ड बन गई। अब इसके बाद हम बना रहे हैं एक और बर्ड अलग टाइप की, और जो पीछे की तरफ अपने बेबी को देख रही है। दिस इज़ मदर बर्ड जो पीछे अपने बेबी को देख रही है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है साथ में। बहुत आसान होती है वर्ली पेंटिंग और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ये देखिए ये इसका बेबी बन रहा है, कितना फटाफट बन रहा है ना। ऐसे ही आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप चाहें, आप डायरेक्टली नहीं बना सकते तो आप पहले पेंसिल से लाइन खींच लें। ये देखिए मैंने एक हॉर्स बनाया है, इसमें भी ट्रायंगल यूज़ किए हैं बॉडी के लिए और लाइंस खींची हैं लेग्स के लिए, और ये इसकी टेल बन गई। अब एक बन रहा है हाउस, इस हाउस को भी हमने ट्रायंगल से बनाया और रेक्टेंगल से बनाया और इसको फिलअप कर दिया। डॉट से फिलअप कर सकते हैं, चेक से फिलअप कर सकते हैं। अब फिर देखिए जैसे हमने पहले पेड़ बनाया था कोकोनट ट्री, ऐसे ही ये भी कोकोनट ट्री बन गया। फिर देखिए एक और ह्यूमन फिगर है जिसके हाथ में ढोलक है। ये आसानी से आप बना सकते हो, बस अपर बॉडी में एक ट्रायंगल और नीचे वाली बॉडी में उल्टा ट्रायंगल बनेगा। सिर के लिए आप एक गोला बनाइए, गर्दन के लिए एक स्टिक बनाइए और ये पैर बना दीजिए। ये बन गई इसकी ढोलक, ये बॉडी बन गई लोअर बॉडी। उसके बाद एक और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसके हाथ में है, एक फिगर बना रही हूँ। इसके हाथ में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, देखिए खड़े खड़े बजा रहा है, और ये लोअर बॉडी है, ट्रायंगल से कवर्ड है, और ये इसके पैर हो गए। और इसमें जो ये फिगर बन रही है ये है डांसिंग लेडी। ये देखिए ये डांसिंग लेडी है। लेडी कैरेक्टर में क्या करते हैं, हाथ में थोड़े से स्टिक लाइन बना देते हैं जो ज्वेलरी दिखाती है, तो उस और एक जूड़ा होता है इसकी पहचान, तो हल्की सी ज्वेलरी और जूड़ा से कैरेक्टर लेडी लगने लगता है। और ये एक फिगर बन रही है जिसके हाथ में बिगुल है, इस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये देखिए ये ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, लोअर बॉडी के लिए एक पैर और ये दूसरा पैर। इस तरीके से ये फिगर आपकी कंप्लीट हो गई, पूरे सर्कल में सर्कुलर मोशन में पूरी ये कंप्लीट हो गई। अब इसको थोड़ा सा अगर और एनहांस करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लें। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें, लाइट और डार्क कॉम्बिनेशंस लगने चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपनी इमेजिनेशन यूज़ करिए और बहुत सुंदर सा आपका ये लैम्प शेड तैयार हो जाएगा। बाकी के दो लैम्प शेड मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बताऊँगी, पार्ट नंबर 2 में, इसके डैंगलर्स भी। थैंक यू।